रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे थक कर मत बैठो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार साथियों, सी बी बी कल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण काम अगर आप कर लेते हैं तो आपको दो दो फायदा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको एक काम करने से दो दो फायदा मिलने वाला है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर, अगर गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन करवाते हैं, अगर उसका फॉर्म भरते हैं तो क्या, अगर उसमें नहीं होता है तो क्या हम प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको यही बताने वाले हैं कि अगर जो लोग गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या उसका फॉर्म भरते हैं, अगर उनका गवर्नमेंट में नहीं होता है तो क्या वो प्राइवेट में करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल आपके मन में और आ सकता है कि जो गवर्नमेंट आईटीआई के लिए फॉर्म भरे थे, क्या उसी फॉर्म से प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन हो जाएगा या उसके लिए अलग से फॉर्म भरना होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप सभी लोग, चाहे आपका 50% हो या आपका 90% हो, आप सभी लोग गवर्नमेंट आईटीआई में आवेदन करिए अगर आपको कम पैसे में करवानी है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि जो फॉर्म आवेदन किए हैं गवर्नमेंट में, क्या उसी फॉर्म से आपका प्राइवेट में हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, अगर आपका गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन नहीं हो पाता है, सीटें वहाँ फुल हो जाती हैं, तो आप उसी फॉर्म से प्राइवेट आईटीआई में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ये भी ध्यान रहे कि गवर्नमेंट आईटीआई में आपको डेली क्लास करने जाना होगा। अगर आप क्लास नहीं करेंगे तो आपका नाम काट देंगे और इसके बाद आप पेपर नहीं दे पाएंगे और आपका साल हो जाएगा बर्बाद। प्राइवेट आईटीआई में ऐसा नहीं होता है। अगर आप वहां पे करवाते हैं एडमिशन तो आपको सूचना मिलती रहती है और आपका नाम भी चलता रहता है। अगर आप क्लास नहीं करते हैं तब भी आपको पेपर देने का मौका मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर आप सरकारी आईटीआई से आईटीआई करना चाहते हैं तो आप सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि आपके जो नज़दीकी में कॉलेज हो उसको ज़रूर चुनें ताकि जो है आप वहां पे क्लास जाके कर सकें और आपका कम फीस में आईटीआई कंप्लीट हो जाए। अगर आपको लगता है कि आपको प्राइवेट से करने में ज़्यादा सुविधा होती है तो आप प्राइवेट से भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर जो लोग गवर्नमेंट आईटीआई में आवेदन किए हैं, अगर उनका गवर्नमेंट में नहीं होता है तो प्राइवेट आईटीआई में आवेदन बाद में ले सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट में सीटें ज़्यादा बची रहती हैं, तो आप कभी भी प्राइवेट में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, आई होप आपको अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।